हम देख चुके हैं, देख रहे हैं यहाँ पे एचपी शेल्डन ने यूजी से बाकियों को ये आता हुआ लेट को मार दिया है, नील को मार दिया है, पहले अंदर घुसेंगे, अंदर घुस के अपना हेल्थ रिवाइव करेंगे शायद से, जी नहीं है और इनको पीछे से आके फेल दिया है, माक्यू ने इनको पीछे से आके फेल दिया है। शेल्डन चले गए बाहर ये टूर्नामेंट के, और एक और फाइट होती हुई जॉर्जो पुल में। तो हम देख रहे हैं कि फैंटम के ऊपर खुश का आता हुआ कार 98 का फटका, और फैंटम हमारे नॉक हो चुके हैं। टीम एक्सटीआर के कोबाल्ट उनको जाके रिवाइव करेंगे। या तो पहला नेड कुछ नहीं हो पाया, बंदे क्या बंदे रश मार रहे हैं, अकेला बंदा, और एक और नेड से नॉक कर दिया है, दो नॉक कर दिए नेड। अच्छे खासे अटैक कर रहे हैं, डेड शॉट, अपने बंदे को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके सब बंदे रिवाइव हो जाएंगे, और इनके नज़दीक में जो टीम थी आ चुकी है यहाँ पे एरर की टीम यहाँ पे आती हुई। एरर के साथ में है जंगली लेपर्ड मार्क एंड ड्रॉसन। आराम से वेट कर रहे हैं, पहले इनका फाइट होने देंगे, बाद में थर्ड पार्टी करेंगे। चलिए देखते तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, टीम नंबर 4 एंड टीम नंबर 1 नॉकआउट हो चुकी है। साथ ही साथ में टीम नंबर 23, कल जो टीम ने नॉमिनेट किया था उसमें से एक बंदा 23 में था, पर वो लोग नॉकआउट हो चुके हैं। एरर और उनकी टीम नंबर 11 धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, जंगली लेपर्ड यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, और ये एसएस वसूली भाई को नॉक करके ख़त्म कर दिया है। ये दिया नॉक हेडशॉट, डेड, एक पूरी टीम डेड कर दी है, एक बंदा सिर्फ बाकी था। जंगली लेपर्ड ने यही इसका फ़ायदा उठाते हुए, यही सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए फिनिश कर दिया। सब ड्रॉप नेड मारने की कोशिश कर रहे हैं बंदों के ऊपर, एक और नेड मारने की कोशिश की है। एरर पीछे वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, जंगली लेपर्ड यहाँ से दोनों को सपोर्ट दे रहे हैं, ड्रॉसन उनको पुशिंग करना चाहते हैं, कहीं से एक नॉक मिल जाए, किसी एक रूम में पुशिंग करेंगे जहाँ पे एडीएस ले बैठे हैं हमारे जंगली लेपर्ड एंड एरर। मार्क ने ओपन किया नेट, डेड शॉट को खतरा, और ये जाता हुआ नेट, और डेड शॉट डेड, भाई जंगली लेपर्ड ने ही पेल दिया है पीछे। ये अंदर जाएंगे हमारे ड्रॉसन, एरर कर दिया है, और ड्रॉसन को फिर से एरर आते हुए, एरर ने नेट से बंद
के लिए। वसूली हो गए हमारे गेम से बाहर। थक ड्रॉसन का हेल्थ बहुत ही लो था, पर इनके बंदे एंड में इनको काम में आए। वहीं पे बंदे अपना रोटेशन लेते हुए ज्यूस किंग ने क्रेजी किलर को पेल दिया है। और कहाँ पे चल रही है ये फाइट? हमें लग रहा है शूटिंग रेंज में फाइट चलती हुई। जी हाँ, ज्यूस किंग के ऊपर। भाई ये लोग आगे बढ़ेंगे, ये बंदा वेट कर रहा है, ज्यूस किंग हिलअप कर रहा है। नंबर 12 और टीम नंबर 18 के बीच में फाइट होने वाली थी, पर ये लोग निकल चुके हैं, ये लोग भाग गए हैं। बंदे धीरे धीरे अंदर आते हुए, साथ ही साथ में ओपी गैंग अपनी यहाँ पे है। और ये रही है हमारे द फिश गैंग। द फिश गैंग एक बंदे के पीछे, अरे यही है, अरे इनका ही बंदा है। ठीक है, 3v1 कर रहे हैं ये लोग, तीन बंदे एक बंदा बगी लेके। दोनों में अंदर घुसेंगे, दोनों में जाने के बाद में बंदों को पेलेंगे। और वहीं पे यहाँ पे होने वाले शायद फाइट एनयू के बंदे, एनयू लेवरॉन ये लोग। और ये एनयू के ऊपर आता हुआ अटैक, एनयू की बग्गी का एक टायर पंचर कर दिया और एनयू हो गए हैं नॉक। फिनिश करेंगे एनयू को, फिनिश करने की कोशिश की जा रही है ये बार के काइल एनयू को बचाने के चक्कर में आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं बंदे कहाँ पे है। पहले स्कैन करेंगे कर रहे हैं कि बंदों को पहले, कुछ नहीं हो पा रहा है। काइल के हाथ में 164 और काइल बंदों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ये समय में चालाकी यही होगी कि ये थोड़ा सा दूर निकले, क्योंकि इनके पास में आ रहा है। कोशिश भाई, दो बंदे चार बंदों के ऊपर सीधा अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। फायर, और काइल ने एक बंदे को गिरा दिया है। काइल को मिल चुका है इनका किल। काइल यहाँ से फॉल बैक करेंगे एंड फॉल बैक करने के बाद में आराम से आके पोजीशन चेंज करके मारने की कोशिश करेंगे। शायद ये एनिम के पास जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने बदल ली है। यहाँ पे बहुत सारी फाइट शायद हो रही है। बंदे बाहर निकल रहे हैं। गुटका न्यूटन, रॉयस कोलासो एंड नेथनॉल 26 साथ में आराम से बैठ के। एक बंदा लेटा है, एक बंदा यहाँ पे, एक बंदा वहाँ पे। भाई इनको तो जीतने का है, तो ये लोग आराम से बैठेंगे। ब्लेस लोग थोड़ा सा दूर है, यहाँ पे शायद फाइट होगी। मुकी ने सावे को नीचे गिरा दिया है। हाउकंजे स्लैब कोई दूसरा क्लैन में, हाउकंजे स्लैब का दूसरा क्लैन डॉन पाब्लो ऑर्सन। ओ भाई, एचएस का क्लैन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एचएस के क्लैन नेथन गोंजाल्वेस यहाँ पे आ चुके हैं। और क्या हाउकंजे स्लैब को पता है कि यहाँ पे बंदा है।
यहाँ पे एक भी बंदा नहीं है, सब बंदे दो में आराम से रोटेशन मार रहे हैं। यहीं पे ओपी शक्तिमान इसके पास में आती हुई गाड़ी फायर, एरर ने एली बंदे मारने की कोशिश कर रहे। किलर क्रॉक की बेटी पड़ चुकी है ऑलरेडी, अपनी गाड़ी को बचा रहे हैं। मार क्यों नहीं छोड़ने वाले हमें लग रहा है एच एस सी क्लैन को। मार क्यों भाई, बंदे आराम से अलग अलग पोजीशन में जाएगा पहला वाला नेट के पास। काइल भागते हुए एम्ब्रेस के पास में डाउन कर दिया है, ट्रेड में ले लिया है माकी ने एम्ब्रेस को। और अलग से बचे हैं स्नोविल, स्नोविल वेट करेंगे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बंदों को। स्नोविल तो ए आता हुआ नेड, और क्या ही नेड, सिर्फ वन एसी बच चुके हैं माक्यू। अभी आके सीधा अटैक करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ और माक्यू ने कर दिया है इनको डेड भाई, क्या ही डेड मार दिया है बंदे ने। माक्यू का वन एचपी था पर इन्होंने क्या आराम से होल्ड करके मारा है बंदे को। गाड़ी में बैठेंगे, हील अप करेंगे और निकल जाएंगे। बहुत अच्छा, वहीं पे हम देख रहे हैं द फिश गैंग के एडी को। एडी अलग से खेल रहे हैं, स्कॉनल उनके साथ में खेल रहे हैं आज। जेसन डिसिल्वा नॉक पड़ चुके हैं, स्कॉनल ने जेसन डिसिल्वा का किल ले लिया है वेनम के एशल छुपके से गाड़ी में बैठ के निकलते हुए। और यहाँ पे बन गई है गच्छड़ी, और गच्छड़ी में क्या देख रहे हैं हम, पाइथन एच सी नीचे है, हैनन टीएक्स और आर्यन टीएक्स अकेले बाकी है अपने बंदे। गाड़ी लेके गाड़ी घुमाएंगे, एक बंदा नॉक, दो बंदा नॉक, आर्यन टीएक्स ने दो बंदे नॉक कर दिए हैं। फ्लेश डी सिल्वा अकेले बाकी है, पर ये पहले अपने बंदों को रिवाइव करेंगे, बाद में जो हो रहा है वो सब हो जाएगा। वहीं पे टर्मिनेटर बंदों को मार रहा है स्टार बॉय 07, ये एक बंदे को रिवाइव कर दिया है और ये सेकंड बंदे को रिवाइव हो जाएगा। और ब्लेस डी सिल्वा साथ ही साथ में अपने बंदों को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगर इनके ऊपर गाड़ी आई तो भाई समझ लो कि सब कुछ डेड है। रिवाइव हो चुका है, दूसरा बंदा रिवाइव हो गया है, एक और स्मोक मारते हुए। ये स्मोक का कवर अच्छे से खासे बना रहे हैं, ये लिए गाड़ी लेके अभी पूरा रोटेट करके घूमेंगे, कोशिश कर रहे हैं। पीछे से उनका एक बंदा आ रहा है, इनको पता नहीं कि उनके पीछे, और ये देखा आर्यन को, आर्यन वापस आते हैं और ड्रिन को गिरा दिया बंदे को। ये सेकंड को नॉक और लाइनल घोष, और ये दे दिया भाई इनको टप्पी, भाई टप्पी दे दिया इनको। और चार बंदे अपने मर गए हैं जोन से बाहर, गुटका न्यूटन और सब लोग मर गए हैं जोन से। चलिए अभी गाइस देखते हैं, रेमसन अकेले बोर्ड से आ रहे हैं, वाह रेमसन अकेले अपना टीम से बाकी है जो बोर्ड से आ रहे हैं।
और यहाँ पे माकिव अकेले खड़े हैं। इन्होंने देख लिया है कि वहाँ पे सामने बंदे हैं, थोड़ा सा फॉल बैक करेंगे और बाद में मारेंगे बंदूक को। माकू सीधा रश मारने के ऊपर, एक बंदे को नॉक, बाकी के बंदे कहाँ पे ढूंढ रहे हैं। और इन्होंने भाई पूरी क्लैन को, भाई पूरी टीम को कर दिया है, 1v3 कर दिया है माकू ने। सिर्फ 10 एचपी बाकी थे और माकू ने कर दिया है 1v3। क्या ही एक नंबर भाई, ये बंदे का जो अटैक से वो सारा नेक्स्ट लेवल है गाइस, नेक्स्ट लेवल गाइस। यहाँ पे पूरी टीम एडी और स्पॉन्सर के ऊपर, एडी भागने गए हैं, स्मोकी एंड एडी, इनको मालूम पड़ गया है कि ये लोग स्मोकी एंड एडी है। तो ये एडी हो गया नॉक, स्पॉन्सर अकेले बाकी। एडी को खत्म कर दिया है इन लोगों ने। और ये हो गए हैं डेड। और एरर की क्लैन यहाँ पे आ चुकी है जंगल, यहाँ पे बंदे मार एरर को नॉक कर दिया है। यहाँ पे कम आ रहे हैं अभी, बाकी सिर्फ दो बंदे, ड्रॉसन एंड मार्क। ड्रॉसन ने निकाल लिया है नेड, नेड मारेंगे। ये आता हुआ नेड स्मोकी हो गए नॉक ड्रॉसन के नेड से, सेकंड नेड डाल दिया है वहीं पे। मार्क को भी नॉक कर दिया है, अभी ड्रॉसन अकेले बाकी है। ये ड्रॉसन हो गए डेड, ओपी शक्तिमान ने बहुत अपना दिमाग चलाया। और माकिव ने यही पे थर्ड पार्टी करते हुए, भाई माकिव अकेला बंदा किल ले रहा है, एक करके एक। ये माकिव क्या ही किल ले रहा था, माकिव सोलो बंदा आराम से बैठ के 7 किल ऑलरेडी ले चुका है, एंड एक ही पीछे एक और किल ले रहा है। जो एकेएम का कंट्रोल है गाइस, क्या ही बताए आपको, एकेएम को लेके भाई बंदा छोड़ ही नहीं रहा है भाई बंदा। जो ट्रिगर एक बार दबा दिया तो भाई पूरे गोलियां खत्म होने के बाद में आती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि धूल बहुत बड़ा हो चुका है, और धूल बड़ा होने के कारण हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा गाइस। रेक्स एंड टीएक्स वाला स्क्वाड भी थे, आ रहे हैं सीधा। ये देखा माकिव ने गाड़ी जा रही है वापस, गाड़ी घूम के चली गई है। तो बंदे बहुत ज्यादा दूर है, हमें लग रहा है कि इन लोगों को फाइट लियोन मिरेंडा एंड M4 के जेसन वेट कर रहे हैं, M4 के जेसन के हाथ में है। और अपना हेल्थ बढ़ा लिया है, 20x
हो चुके हैं। ज्यूस किंग ऊपर M4 के जैसे स्मोक मारने की कोशिश करेंगे। स्मोक वहां पे गिर चुका है, इनका एक कवर तो बन गया है पर वो ऊपर का कवर जो रही है वो नहीं बनाया अभी तक। डाउनरेंज का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे रेंगते हुए जाएंगे। बंदे को स्पॉट करिए और नॉक दे दिया है M4 के जैसे ने। क्या ही दिमाग चलाया गई थी बंदे ने। एक बंदा नॉक की जा रही है, डोर फोड़ दिया है वहाँ पे। 3v3 का बैटल चल रहा है, अभी 3v2 हो गया है पर दूसरा बंदा जो नॉक हुआ है उसके साथ ही उसको बचाने के लिए जाएंगे। ज़ूस किंग रिवाइव हो गए हैं भाई। रेड बॉट के पास में है UMP4। रेड बॉट धीरे धीरे फ्लैंक मारते हुए वहीं पे हाउकंजी स्लैब की टीम ने एक बंदे को नॉक मार दिया है। डॉन पेब्लो ने पाइथन HT का किल ले लिया है, सिक्योर कर लिया है। डॉन पेब्लो हो गए नॉक, हाउकंजी स्लैब स्मोक मारते हुए। अभी हाउ कैन जस्ट लेफ्ट मुझे कॉल सकता है। HS की ऑर्सन आराम से दूसरी टीम में बैठ चुके हैं और वहीं पे माक्यू भाई, माक्यू तो रुक नहीं रहा है गाइस। माक्यू बंदों को पेलते जा रहा है, एक के पीछे एक पेल रहा है भाई। ये बंदा भाई अकेला काफी है, टीम के हो गए 16 किल्स। हाउ कैन दिस हैपन टू एम4 को नीचे गिरा के गिरा दिया है। माक्यू अकेले के हो गए 13 किल्स गाइस। माक्यू के हो गए हैं 13 किल्स, अकेले के हो गए 13 किल्स गाइस। क्या आप सोच सकते हो 13 किल्स कैसे हुए? ओ भाई मारो माक्यू को, मेरे को लग रहा है कि अंदर जाना पड़ेगा जोन में, तो क्या होगा? एक के पीछे एक टैप 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 टैप। बंदे वापस से स्क्रीन को गिरा दिया, नॉक करा दिया है। वहीं पे पीछे में चेस के क्लैन के बंदे पेल रहे हैं जो कि उनको जोन का कवर मिल चुका है। HS के क्लैन आराम से होल्ड कर रही है यहाँ पे। और ये कर दिया है टीम को डेड। HS के क्लैन ने एक टीम को डेड मारते हुए टीम किल्स हो गए हैं 5। पीछे माका क्यू एकदम फुल फोर्स में आता हुआ HS के क्लैन के ऊपर। चलिए देखते हैं क्या माका क्यू मार पाता है, क्या चिकन डिनर लेके जा सकता है माका क्यू। यहाँ पे माका क्यू
अंधाधुंध स्प्रे चल रहा है यहाँ पे, मतलब क्यों का अंधाधुंध स्प्रे चल रहा है, ये चला दिया मॉली, बस एक के पीछे एक नेड, एक के पीछे एक स्प्रे, मॉली स्प्रे, मॉली कर रहा है माह क्यों। एक शॉट क्यों रुक नहीं रहा है गाइस, M4 के जेसन ने डॉन पे आप लोगों को वापस गिरा दिया है, आपके जिसने आपने हाई M4 के जेसन को गिरा दिया वापस। अभी हो रही है फाइट यहाँ पे, AKM ले लिया है हाथ में, ऑर्सन वहाँ पे लेटे हुए हैं और ऑर्सन ने ले लिया है और सामने बंदा लेटा हुआ है और स्प्रे दे रहा है, तो भाई कोई चांस नहीं है। अभी बाकी है सिर्फ टीम नंबर 22 एंड टीम नंबर 13। दो टीम बाकी, M4 के सिर्फ तीन बंदे, ये कर दिया है आउट जेसन को, लिया की हेल्थ 1 HP हो चुकी है। रूएल TX धीरे धीरे सर्कल में आते हैं, राइट से फ्लैंक मारने की कोशिश कर रहे हैं, रूएल उठ के भागने की कोशिश करेंगे। अभी अकेला बंदा बाकी, लियोन मिरांडा, क्या कर पाएगा लियोन मिरांडा अभी 1v4 के अगेंस्ट, कुछ नहीं कर पाएगा, बंदे तो पता है कहाँ। दूसरे बंदे को नीचे गिरा दिया, किसने को नीचे गिरा दिया, पर पीछे से आके एक बंदा जो कि है ऑर्सन, उसने भाई सबको बचा लिया है, क्या ही हो गया, एक नंबर सीन था गाइस, एक नंबर सीन था।